स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मार्केट कमांडोज में। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं वेदांता स्टॉक के बारे में। इस समय थोड़ा इसके ऑप्शन चेन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 330 के प्राइस का एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है। और आज हमने 2 फरवरी को इस स्टॉक में शूटिंग स्टार आवर्ली टाइम फ्रेम में बनते हुए दिखा है। और टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करें इससे पहले देखेंगे तो कुछ न्यूज जो ट्रेंड हो रहे थे उस न्यूज को ऑलरेडी हमने डिस्कस करा। और टेक्निकली अभी भी देखिए तो निफ्टी मेटल को आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। इस समय अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने क्या कहा था कि 334 और 340 के प्राइस के बीच ये जो प्राइस आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो प्राइस आपको दिख रहा है 338 340, ये एक मेजर रेजिस्टेंस हो चुका है। यहाँ पे पहला रिजेक्शन दिखा, यहाँ पे दूसरा रिजेक्शन दिखा। इंपोर्टेंट है इसके ऊपर का क्लोजिंग। अगर ये स्टॉक 338 के ऊपर का क्लोजिंग देता है तो इजीली जो टारगेट देखेंगे वो आप डेली टाइम फ्रेम पे नहीं देख पा रहे हैं। इसको अगर थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो स्टॉक यहां से थोड़ा बहुत अगर कंसोलिडेट करती भी है तो इसके ऊपर का क्लोजिंग स्टॉक को 394.40 तक के लेवल्स ले सकते हैं। तो इस समय अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि ये जो लेवल आपको दिख रहा है 340 के ऊपर ही फ्रेश बाइंग करेंगे। और जो लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या फिर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि एक बार वेट करें। इन केस अगर इस लेवल पे कहीं रिट्रेसमेंट करता है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और इजिली देखेंगे 400-420 तक के लेवल इस स्टॉक में नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही एक स्टॉक अगर आप शॉर्ट टर्म में लेना चाहते हैं जिसके रिजल्ट काफी बेहतर रहे हैं तो वो स्टॉक है क्लीन साइंस। क्लीन साइंस के स्टॉक को देखिए तो पर्सनली मुझे लगता है कि ये स्टॉक मल्टीवेगर है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर इस स्टॉक को देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से इस स्टॉक के ट्रेंड को देखें तो जो जब आईपीओ आया था तब स्टॉक के हायर प्राइस देखेंगे तो नियर अराउंड 2700 तक के लेवल्स को टच करे थे। और उसके बाद यहाँ देखेंगे कंटिन्यूस सेलिंग रहा, एक रिट्रेसमेंट का कोशिश, फिर सेलिंग, फिर रिट्रेसमेंट और फिर सेलिंग देखने को मिला है। और रिसेंट के जो हाई आए थे वो देखेंगे तो नियर अराउंड 2000 के आसपास का रहा था। और ये जो लेवल दिख रहा है ये नियर अराउंड देखेंगे तो 1300-1400 का बॉटम आउट होते दिख रहा है। और एक्सपेक्टेशन है कि 2000 तक के लेवल आपको नेक्स्ट 3 मंथ के पहले ही ये लेवल आते हुए दिख सकता है। तो क्लीन साइज में श्योरली एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। इसको अगर डेली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी क्लीन साइज के स्टॉक में दिख रहा है जो कि एक कैश का स्टॉक है। मैं थोड़ा इसको जूम आउट करके दिखाऊं तो यहां देखेंगे इसने 20 MA के ऊपर का क्लोजिंग दिया है और काफी लंबे समय के बाद। यहाँ देखेंगे तो इसके प्राइस एक्शन को थोड़ा बहुत समझेंगे तो किस प्रकार से एक डाउन ट्रेंड रहा, यहाँ एक रिट्रेसमेंट लेने का कोशिश करा। और ये देखेंगे कि ये जोन जो है ये कंसोलिडेट जोन है, यहाँ से अगेन स्टॉक में सेलिंग प्रेशर दिखा, अगेन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट पे दिख रहा है। तो 1500 के ऊपर अगर आता है तो यहाँ देखेंगे तो 1632 2000 तक के लेवल नेक्स्ट 3 मंथ में दिख सकता है।